आज हमारे महाराष्ट्र के बीजेपी के सेक्रेटरी अपने किनिकर सर जी, उनका मूल्य टाइम निकाल कर वो हमारे के पावर फिल्म एकेडमी का ओपनिंग करने के लिए आए हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि दो सब वो बोले। धन्यवाद। आज मुझे बड़ी बेहद खुशी हो रही है कि मैं एक सर्वसाधारण अपनी कल्पनाओं को लेके गांव से लेके उड़कर इस बंबई में बसा कैलाश पवार, इसके के पवार फिल्म अकादमी का मैं आज उद्घाटन किया और उसका उद्घाटन हुआ, ये प्रथमता घोषित करता हूँ। आज मेरे साथ में महाराष्ट्र के फिल्म कामगार के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष सन्माननीय विजय सरोज है, वैसे सभी मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मेरे साथ सभी ये फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां है और इन्हीं के साथ मैं उद्घाटन करने आया हूँ। कैलाश बहुत मेहनती बच्चा है और मैं उसको एक शुभकामनाएं देने के लिए औरंगाबाद से, खास संभाजीनगर से यहाँ आया हूँ। मुझे आज खुशी इसलिए हो रही कि मैं कामगार आघाड़ी का कई साल महाराष्ट्र का अध्यक्ष रह चुका हूँ, अभी नेशनल बॉडी पे काम करता हूँ और कामगार जगत में सबसे बुरे हाल किसी के होंगे तो चित्रपट सृष्टि में काम करने वाले, नाट्य सृष्टि में काम करने वाले जो वर्कर है, कामगार है, उसमें स्पॉट बॉय हो, कैमरामैन हो, इन लोगों की हालात को देख के एक मन में दुख सी भावना उभर आई थी क्योंकि ये बंबई में वसे बाहर के लोग जिनकी आज भी, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म दिलाई है और बड़ी बड़ी फिल्म को मार्केट दिलाया है, लेकिन जिन्होंने मार्केट दिला ऐसे वर्करों का मार्केट चले गया है और उनकी हालत, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए इस फिल्म जगत में, जिन हीरो ने, उन हीरो के दर्शन के लिए जो काम कर रहे थे, उस कैमरामैन, मेकअप मैन, स्पॉट बॉय और सभी कामगार वर्ग, इनकी हालत इतनी बेकार हो चुकी है कि मैं एक हरदम बोलते रहता हूँ, इन तीनों में इस ये कामगारों का भ्रमण चल रहा है और वो भ्रमण बोले तो एक